हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। है गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरविंदर्स गुरुकुल से। गाइस, आज हम लोग करेंगे कि ईमेल में हम लोग अपने सिग्नेचर्स या कंपनी का लोगो किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं ताकि हम अपनी मेल को प्रभावशाली और प्रोफेशनल बना पाएं। आप लोग अक्सर नोट करते होंगे कि कई बार आपको मेल्स रिसीव होती हैं जिनके नीचे एक लोगो लगा हुआ होता है हर एक मेल के साथ, या उनके सिग्नेचर लगे हुए होते हैं जो भी ऑथर उसका है। तो हम आज इसी बारे में सीखेंगे कि हम लोग कैसे सिग्नेचर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हे गाइस, हाजिर आपके लिए शेर। ए दिल, की सोचदा है कि जिंदगी च की होएगा, क्यों सोचदा है कि कुछ बुरा होएगा। चलदा रह मंजिलां दी तरफ, कुछ मिले ना मिले, पर तजुर्बा तो हर बार नवा होएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कि हम जीमेल के अंदर अपने सिग्नेचर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी जो ईमेल है वो प्रभावशाली दिखे व प्रोफेशनल भी दिखे। आप लोग अक्सर नोट करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई मेल रिसीव होती है उसमें नीचे यहाँ पर ऑटोमेटिक कंपनी के एड्रेस या लोगो आता है, तो हम उसे किस प्रकार ऐड कर सकते हैं आज हम लोग सीखेंगे। जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी को ओपन कर रखा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर आपको पहले एक बिना सेट किए बताता हूँ कि मैंने एक जैसे कल आईडी आपको बना करके दिखाई थी किड जिल प्ले स्कूल, तो हमने यहाँ पर किड जिल प्ले स्कूल @gmail.com लिखा, यानी कि मैंने कंप्लीट एड्रेस दिया यूजर ने विद हमने उसका मेल सर्वर एंड डोमेन, और यहां पर सब्जेक्ट हमने कर दिया सिग्नेचर। ओके गाइस, और यहां पर मैंने कुछ भी लिख दिया कि आई हैव नो सिग्नेचर, इसमें मैंने लिखकर और इसे सेंड कर दिया। आप देखिए, मैं इसको इंस्टेंटली सेंड कर रहा हूं, तो एक मेल में ये भेज चुका हूं, तो मैं उसमें चेक करके आपको दिखाऊंगा कि ये विदाउट साइंस हमारी गई है। तो अब हम लोग चलते हैं गाइस, हम लोग किस प्रकार से चलेंगे। देखिए, मैं सेटिंग्स पर चलता हूं, तो सेटिंग्स पर चलता हुआ इसमें फिर से मैं सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा। गाइस, इसमें हम लोग जो हमारे पास सेटिंग्स है जनरल पर क्लिक करेंगे, और जनरल में मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूं सिग्नेचर्स पर। इसमें आप फाइंड आउट करेंगे सिग्नेचर्स। गाइज, हमारे पास सिग्नेचर्स आ चुका है। देखिए, अभी कोई सिग्नेचर्स ऐड नहीं है, तो नो सिग्नेचर्स आ रहा है। मैंने क्रिएट न्यू पर क्लिक किया अपने सिग्नेचर्स को ऐड करने के लिए, और यहां पर मैं किस नाम से, अपनी फर्म के नाम से या मेरे नाम से, जिस भी नाम से चाहता हूं मैं यहां पर लिख लूंगा। जैसे मैंने गुरविंदर्स गुरुकुल के नाम से सिग्नेचर्स क्रिएट पर क्लिक करते हुए इसे क्रिएट कर लिया है। तो गाइज, ये सिग्नेचर्स क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं ये जो मेरे पास स्पेस एरिया आ रहा है, मैं यहां पर लिखूंगा जो भी मैं सिग्नेचर्स को ऐड करना चाहता हूं, मुझे यहां लिखना पड़ेगा। मैंने उसको नेम वहां दे दिया है। अब मैं यहां पर लिखा गुरविंदर्स गुरुकुल, और अगर नीचे आप अपनी फर्म का या जो भी है आपके पास कोई ईमेल है तो आप उसकी ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, या आपके पास वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। ईमेल गाइस, आप एक से तो ईमेल कर ही रहे हैं, आप अल्टरनेटिव ईमेल्स यहां पर ऐड कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट है, आप उसे ऐड कर सकते हैं। आपकी कोई सोशल पेजेस हैं या सोशल साइट्स हैं, आप उनके भी लिंक यहां पर दे सकते हैं। तो गाइस, मैंने यहां पर www.infojilat.org लिखा। मैं इसे अगर लिंक करना चाहता हूं तो मैंने इस पर एक लिंक क्रिएट कर दिया। कैसे, इसे मैंने सिलेक्ट किया और यहां से ये ऑप्शन है इस पर लिंक। तो जैसे ही यूजर जो भी मैंने जिसके पास ये मेल भेजी है, आप देखिएगा www, ये एक लिंक क्रिएट हो चुका है। जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा तो मेरी डायरेक्टली वेबसाइट ओपन हो जाएगी infojilat.org के नाम से। तो गाइज, इसके बाद अगर मैं इस पर कोई लोगो करना चाहता हूँ, लोगो से पहले मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी आपको बता देता हूं कि हम लोग इसे सिलेक्ट करके यहां से वही साइज जो मैंने आपको कल भी बताया था मेल के अंदर लार्ज करना चाहते हैं, यहां से इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं।
गाइज अब मैं अपना लोगो ऐड करना चाहता हूं इसके नीचे, तो मैंने कर्सर को नीचे रखा और यहां से जो हमारी इंसर्ट इमेज की ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करते हैं और हम लोग अपलोड पर चलेंगे। गाइज ये हमारा गुरुकुल आ ही रहा है माई ड्राइव के अंदर, हम इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहां से, या मैं आपको अपलोड करना बताता हूं। हम अपलोड पर चलेंगे, सिलेक्ट ए फाइल फ्रॉम योर डिवाइस पर चलते हैं और जहां भी आपने जिस लोकेशन पर आपकी जो भी आप पिक्चर या लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं आपने रखा हुआ है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज मैंने जैसे कि डी ड्राइव पर अपना लोगो रखा हुआ है तो मैंने इसे ओपन कर लिया है, तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ओके गाइज तो ये अपलोड हो चुका है, अप्रोक्सीमेट लीजिए ये अपलोड हो चुका है। अब इसका साइज जो है वो काफी बड़ा आ रहा है, तो गाइज मैं इसका साइज यहां से ऑप्शन है जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, स्मॉल पर क्लिक किया तो देखिए स्मॉल हो गया, आप मीडियम पर क्लिक करेंगे तो मीडियम हो जाएगा। जिस साइज में आप इसे रखना चाहें गाइज आप इसे रख सकते हैं। तो गाइज अब मैं इसे फाइनल करना चाहता हूं, मैंने मेरा नेम, मेरी वेबसाइट का नेम, मेरा लोगो, इसके अलावा आप जो भी चाहें वो भी इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो अभी गाइज आपको कुछ और सेटिंग्स करनी है, देखिए जैसे सिग्नेचर नीचे लिखा आ रहा है सिग्नेचर डिफॉल्ट, यहां पर फॉर न्यू ईमेल्स जो आप नई ईमेल्स भेजते हैं उसमें आप किसे सिलेक्ट करते हैं, गुरविंदर्स गुरुकुल, यानी कि आप एक से ज्यादा सिग्नेचर्स को भी ऐड करके रख सकते हैं। तो आपकी जो रिप्लाई में मेल्स जाती हैं आप उनमें कौन सा या फॉरवर्ड आप करते हैं, कौन से सिग्नेचर्स को यूज करना चाहते हैं, आप अगर कोई सिग्नेचर नहीं करना चाहते तो आप नो कर दीजिए, अगर आप करना चाहते हैं तो गुरविंदर्स गुरुकुल के जैसे मैंने उसमें भी करके। अब मैं नीचे चलकर इसे सेव कर दूंगा, जो मैंने चेंजेस किए हैं गाइस नीचे आप देखिएगा आपको ऑप्शन मिल रहा है सेव चेंजेस, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो गाइस ये मेरे चेंजेस यानी कि सिग्नेचर्स ऐड हो चुके हैं। अब जब भी मैं किसी मेल भेजना चाहता हूं किसी को भी तो मैं कंपोज पर चलूंगा और यहां पर आप देखिएगा ऑलरेडी अब नीचे मेरे सिग्नेचर्स और वेबसाइट का ऑटोमेटिक आने लग गया है। जब भी आप कोई भी मेल को कंपोज करेंगे तो आपकी हर एक मेल के नीचे आपको सिग्नेचर्स ऑलरेडी मिलेंगे जो आपने सेट कर दिए हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए फिर भी किर्जिल लिखा तो अब ऑटोमेटिक आने लग गई है क्योंकि मैं एक बार भेज चुका हूं, तो मेरे ईमेल एड्रेस में ये एड्रेस ऐड हो चुका है। यहां पर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया कि सिग्नेचर विद लोगो और यहां पर आप जो भी मैटर लिखना चाहे, आई हैव सिग्नेचर्स इन माई ईमेल अकाउंट, कुछ भी मैंने मैसेज लिखा गाइस और अब मैं इसे सेंड कर रहा हूं गाइस। तो सेंड पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरी मेल सेंड हो चुकी है गाइस। अब मैंने किर्जिल की भी वेब जो ईमेल एड्रेस है उसे भी इसके साथ ओपन कर लिया है ताकि मैं आपको उसमें भी दिखा पाऊं कि मेरे पास जो आई है। देखिए गाइस मैंने इसको रिफ्रेश किया F5 करके, तो F5 से रिफ्रेश कर दिया ताकि मेरे पास जो अभी मैंने इंस्टेंटली मेल करी है वो भी रिसीव हो जाए। तो गाइज आप देखिएगा एक सिग्नेचर जो मैंने आपको पहले करके दिखाई थी और जो अब मेल करी है, दोनों मेल्स मेरे पास आ चुकी हैं। तो पहले मैंने सिग्नेचर को ओपन करके देखा, इसमें देखिए गाइज नीचे कोई भी साइंस नहीं है क्योंकि जो मैंने पहले साइन एड करने से पहले भेजी थी वो मेल है। अभी आ रही है गुरविंदर सिंह विद लोगो, मैंने इस पर क्लिक किया गाइज तो आप देखिएगा इसमें आपका लोगो भी साथ में ओपन हो रहा है, आई हैव सिग्नेचर इन माई ईमेल अकाउंट, ये मेरा मैसेज जो मेरा मैटर है वो आ चुका है और नीचे सिग्नेचर आ चुका है। तो गाइज उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस तरह से यूजफुल आपको और भी मिलती रहेंगी वीडियोस। तो प्लीज आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो गाइज तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।